नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति में बड़ा नाम बना चुके सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, यूपी में विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है। इस सत्र के दौरान वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना क्षेत्रवार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें गुरुवार को भी सामने आई थी। ये तस्वीरें क्षेत्रवाद संवाद कार्यक्रम की हैं, जिसमें पूर्वांचल के विधायक सामने आए थे। ऐसे में आपको बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन किया गया और इस फोटो में सपा विधायकों और बीएसपी विधायकों के साथ वो नजर आए। ऐसे में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या यहां पर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मंत्री पद की मांग की जा रही है, उस पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां पर चुनाव के नज़दीक आने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे, लेकिन बाद में एनडीए गठबंधन से अलग होकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में चले गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सपा के साथ सुभाषपा की बात बिगड़ गई और सुभाषपा गठबंधन से बाहर हो गई थी। बीते साल जुलाई में सुभाषपा ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ गई थी। पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, उसके बाद लगातार चर्चाएं की जारी हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।